स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम एक शॉर्ट क्वेश्चन कवर करेंगे हीमोफीलिया। बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी का थर्ड सेमेस्टर सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स के अंदर ये दो नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है, हीमोफीलिया क्या है। तो दोस्तों, हीमोफीलिया एक ब्लीडर डिजीज़ होता है, एक इनहेरिटेड डिजीज़ होता है, जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर भी से हम कह सकते हैं। हीमोफीलिया जिस व्यक्ति को भी हीमोफीलिया हो जाए, या जिस व्यक्ति को जो भी रोगी होता है, पेशेंट होता है हीमोफीलिया का, उसे अगर एक बार चोट लग जाती है तो लगभग 30 या 24 घंटे के अंदर भी उसका ब्लड बहना बंद नहीं होता, क्योंकि ब्लड की क्लॉटिंग ही नहीं हो पाती। जबकि एक नॉर्मल इंसान के अंदर 2 या 3 मिनट में या 5 मिनट के अंदर अंदर क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी पूरी तरह से क्लॉट होने की वजह से ब्लड बंद हो जाता है। ठीक है, जैसे ही चोट लगेगा तुरंत क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाएगा, क्लॉटिंग का प्रोसेस, और फिर उसके बाद तुरंत वहाँ पर क्लॉट हो जाएगा, जिससे ब्लड जो होगा वो बंद हो जाएगा बहना। बट हीमोफीलिया में ऐसा नहीं होता, क्योंकि क्लॉटिंग नहीं हो पाती, तो इसलिए हीमोफीलिया के जो व्यक्ति है उसे हम ब्लीडर डिजीज़ भी कहते हैं। यह अधिकतर मेल में पाया जाता है, जितने भी मेल होते हैं जनरली हीमोफीलिया उसी के अंदर पाया जाता है, और इसका जो जीन होता है वो एक्स क्रोमोसोम पर स्थित होता है। तो इसे आप नोट कर सकते हैं, 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, हीमोफीलिया जो होता है ये ब्लड से रिलेटेड एक बीमारी है, एक जेनेटिक डिजीज होता है। हीमोफीलिया इज़ द मोस्टली इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर दैट इम्पायर्स द बॉडी एबिलिटी टू मेक द ब्लड क्लॉट्स। क्योंकि जब ब्लड क्लॉटिंग ही नहीं हो पाएगा तो फिर ब्लड लगातार बहता ही रहेगा हमारी बॉडी से। ठीक है, तो जो ब्लड होगा उसी से रिलेटेड, और लगातार ब्लड बहता रहता है। तो सिंपली हीमोफीलिया में क्या होगा, यदि किसी व्यक्ति को हीमोफीलिया होगा तो उसका जो ब्लड होगा वो जल्दी से उसमें क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी, जिससे वो बहता रहेगा, और ज़्यादा ब्लड बहने की वजह से रोगी की मृत्यु तक हो जाती है। सो आई होप हीमोफीलिया के बारे में आपने 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन को कवर किया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टाटा।